भिखारी पिकनिक वाला मुर्गा बिरयानी। एक गांव में चार दोस्त रहते थे, चरण, किरण, रवि और मधु उनके नाम थे। चारों धनवान के बच्चे थे, पैसे है कहकर बहुत अहंकार भी ज्यादा था उनको। गरीब लोगों को नजरअंदाज करके उनके मजाक उड़ाकर उनका अपमान करते थे। चारों कीमती गाड़ियों में घूमते हुए रास्ते में आने वाले गाड़ियों को और लोगों को ठकराते हुए जाते थे। जब लोग नीचे गिरकर दर्द से दुखी होते थे, तब ये चारों उनको देखकर हंसते थे। वे हर रोज पब में लड़कियों को साथ में ले जाकर उधर अच्छे से पीकर नाचते थे। सिगरेट में गांची मिलाकर पीना, शराब में नशीला दवाई मिलाकर पीना, ऐसे करते थे। उस नशे में उनके गाड़ियों को मन मर्जी से चलाते थे। एक दिन मधु, अरे जब भी देखो तो पब में जाकर शराब पीना और नशीला दवाई लेना बहुत बोर लग रहा है यार, कुछ नया आइडिया है तो बताइए, कहा। तब चरण, अरे एंजॉयमेंट के लिए हमने तो कई विदेश घूम चुके थे ना, बैंकॉक, सिंगापुर, दुबई, मालदीव्स, ऐसे बहुत जगह घूम चुके थे ना, इसलिए कुछ अलग सा करना है तो इधर ही नजदीक में करना है, कहा। तब किरण, ऐसा है तो फॉरेस्ट में पिकनिक जाएंगे और चिकन बिरयानी बनाकर खाएंगे तो मजा ही कुछ अलग होगा, कहा। तब रवि, अरे वाह बहुत अच्छा आइडिया है, उधर है तो हम शराब पी सकते हैं, नशा कर सकते हैं और हमें रोकने वाले कोई भी नहीं रहते हैं, कहा। तब चारों सुपर कहे। ऐसे चारों उनके गाड़ियों में पिकनिक के लिए सामान रखकर निकल पड़े। ऐसे जंगल में जाकर एक जगह पर टेंट लगाकर सिगरेट में गांची मारते हुए नशीला दवाई को शराब में मिलाकर पीते हुए मजा कर रहे थे। तब रवि, अबे ओए हम चिकन बिरयानी कब बनाएंगे और कब खाएंगे, पहले काम शुरू करते हैं, रेडी, कहा। तभी एक भिखारी उधर आकर, बाबूजी बहुत बहुत भूख लग रहा है, खाने के लिए कुछ है तो खिलाइए बाबूजी, पूछा। तब मधु, जंगल में भी ये भिखारी लोग हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं क्या, इधर आकर भीख मांगना क्या रे धरिंदर कही के, चल फुट इधर से, हम अभी तक पकाना भी शुरू नहीं किए, कहा। तब वो भिखारी, क्या अब तक खाना नहीं बनाए हो बाबूजी, ये क्या है जी, 12 बज रहा है अब तक नहीं पकाए, ऐसा है तो भूख के वजह से पेट में गैस फॉर्म होता है सर, कहा। तब किरण, अरे बड़ा आया होशियार वाले, ठीक है हम पकाने तक रुको, अगर कुछ टुकड़े बुकड़े बच जाएंगे तो खिलाएंगे, कहा। तब भिखारी, टुकड़े कह रहे हैं तो आप उस मुर्गी से बिरयानी बनाने वाले हैं क्या, अरे वाह वो मुर्गी तो बहुत मोटा है सर, मैं भी एक जमाने में एक बड़ा सा होटल में शेफ जैसे काम किया था, लेकिन मेरा वक्त बर्बाद हो गया और मैं ऐसा भिखारी बन गया, अगर आपको ठीक है कहे तो मैं पकाता हूँ सर बिरयानी को, कहा। तब सब एक दूसरे के एक चेहरे देख कर ठीक है कहे, भिखारी मुर्गी को पकड़ा और ऐसे उधर वो चिकन बिरयानी बनाना शुरू किया। ऐसे वे चारों उधर दारू पी रहे थे तो वो भिखारी, सर जी अगर आप कुछ गलत नहीं मानेंगे तो एक पेग मुझे भी डालेंगे क्या, पीकर बहुत साल हो गया है, कहा। तब मधु, तुम्हारे मुंह के लिए दारू भी चाहिए क्या भिखारी कही का, ठीक है आ जाओ, कहा। उसे ग्लास में दारू दिए, वो उसे पीकर, सर एक सिगरेट भी मिलेगा तो आपकी बहुत मेहरबानी होगा सर, जीभ खींच रहा है सर, कहा। तब किरण, अबे ओए तुम खाना पकाने आए हो या हमें मस्का मारने आए हो, ठीक है देता हूँ, ये मामूली सिगरेट नहीं है, गांची मिलाया है इसमें, अगर इसे पियोगे तो गिर जाओगे शायद, कहा। तब वो भिखारी, सर मैं गांची ही नहीं इस दुनिया का सब नशीला चीजों को मैंने पी लिया है सर, ये गांची क्या करेगा मुझे, इधर दीजिए, कहकर सिगरेट लेकर पीने लगा। तब चरण, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है, इसे और कुछ नशीला दवाई देते हैं तब इधर ही गिर जाएगा नमूना, पहले तो खाना तो पकाने दो बाद में देते हैं उसे, कहा। ऐसे वो भिखारी बनाते बनाते बिरयानी खाने लगा। बाद में वो एक प्लेट लाकर उनके सामने रखा। वे उसे देखकर हैरान रह गए। रवि, अरे इसमें बिरयानी कहाँ है, पूरा खाली दिख रहा है, कहा। तब भिखारी, बाबूजी उसमें नमक और तीखापन कैसा है, खाकर देखने के लिए पूरा खा लिया है मैंने, दरिंदर स्थिति में हूँ ना, भूख ज्यादा लगता है मेरे जैसों को, बस एक 10 मिनट का टाइम दीजिए और एक मुर्गी से बिरयानी बनाता हूँ, कहा। तब मधु, अरे बापरे सही मिला है रे तुम हमें, ठीक है जल्दी पकाना शुरू करो और पहले ये नशीला दवाई मिलाया हुआ दारू पियो,
हो, इससे पहले दुनिया का सारा नशा तुम्हें पता है कहकर बहुत गप्पे मार रहे थे ना। कहा तब भिखारी, मैं तो इधर इसलिए ही आया था कि तुम लोगों को रेड हैंडेड पकड़ना है कहकर इस भिखारी का बेश में आया हूँ कॉन्स्टेबल्स, कहकर जोर से चिल्लाया। तब कॉन्स्टेबल्स आकर सबको पकड़ लिए। तब भिखारी, अरे मैं इधर नया आया हुआ एसआई हूँ, आने से पहले तुम लोगों का फाइल देखा था, तुम लोगों को सबक सिखाना है कहकर तुम लोगों के ऊपर केस कर रहा हूँ, चलो पुलिस थाने। कहा ऐसे चारों मिलकर जेल में पत्थर मारते हुए सजा काटने लगे।